गैर मामूली हालात है जनाब स्पीकर, गैर मामूली हालात, गैर मामूली इकदामात के मुतकाजी हैं जनाब। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होगा, मुल्क को रेडिकल सर्जरी की जरूरत है। फॉर्म 47 हम अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म 45 रखते हैं, जिसके पास भी फॉर्म 45 है, मिलकर इस इंतखाबात। और मामला ये है कि कुछ लोग कहते हैं अगर इनकी बात सही समझ ली जाए कि इनको हराया गया है, तो भाई जिस तरह जितवाया गया था उसी लोगों ने उसी तरह हरा दिया है। 18 में जिस तरह जितवाया गया था, 24 में उस तरह हरा दिया गया है। ये मिलकर बात करना चाहिए, जिसने आपको जितवाया था उसने आपको हरवाया हो, अगर आपकी बात सही है तो। 18 में आप जीते थे, 18 में आप जीते थे क्या? और इसके साथ साथ मैं इस ऐवान में अपने इस इलेक्शन में अपने शहीद होने वाले साथियों को, सोहराब गोट के हमीदुल्ला को, मंगो पीर के मोहम्मद नियाज को, मच्छर कॉलोनी की महबूबुल इस्लाम को, नाजाबाद के अहमद फराज को और सराजुल इस्लाम को भी खराज तहसीन पर पेश करता हूँ कि वो जमहूरियत के रास्ते के शहीद हैं। बहरहाल हम ये समझते हैं कि जब तक सियासी कुव्वतों के दरमियान गुफ्तगू शुरू नहीं होगी तो फिर हमें कोई और बैठाएगा, घर भेजेगा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत एक बार फिर डीरेल हो जाएगी। इन रवैयों के साथ जमहूरियत नहीं चलती है। और पाकिस्तान में अगर आपको साथ देना है, हम आपका साथ देते हैं। आइए, हमने यहाँ पर जो मुफस्सिल तकरीरें हुई हैं कल दो और आज, वो मुफस्सिल तो थी, मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि उसमें हल नहीं दिया गया था, कोई नुस्खा नहीं बताया गया था कि पाकिस्तान के इन मसलों का हल किन नुस्खों से इलाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह MQM ने एक नुस्खा, एक कीमिया ला के दिया है। आए हम तहरीक इंसाफ को दिखाते हैं, जिसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए ये तीन नुकात हैं जनाबे अली, जो हम पेश कर रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के आइन में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को आइनी तहफ़ मिला है, इसी तरह ज़िलाई हुकूमतों को भी आइनी तहफ़ फराम किया जाए या आइन फराम करे। जिस तरह पाकिस्तान के आइन में वफाकी हुकूमतों और सूबाई हुकूमतों के महकमे और इख्तियारात दर्ज हैं, इसी तरह ज़िलाई हुकूमतों के भी महकमे और इख्तियारात आइन में दर्ज हों, आइन हिफाजत करे पाकिस्तान की जमहूरियत की, और इस आइन को इस काबिल किया जाए कि आम पाकिस्तानी की हिफाजत कर सके। इस आइन, इस हमारे इस आइनी तरमीम में इस बात को पाबंद किया गया है कि NFC अवार्ड को PFC अवार्ड के साथ मशरूत किया जाए, और आइन वफाक को, सूबे को और ज़िले को एक ही फार्मूले के तहत वसाइल फराम करे। और हम ये चाहते हैं कि जब तक पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरियत ना हो, ज़िलाई हुकूमतें ना हो, आम इंतखाबात को कराना मुमकिन ना हो। बात बहुत करनी थी, लेकिन बात अगर ऐवान में नहीं होगी और वह ऐवान से बाहर होगी तो हमारी आवाज़ पहले भी बहुत तवाना रही है। इसमें इस पाकिस्तान के खातिर हमने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लाखों जानों की कुर्बानी दी है, इस जमहूरियत के खातिर भी कुर्बानियाँ दी हैं। और इसके बावजूद हमने पाकिस्तान को हमेशा हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ खड़े रहे हैं। ये हम ही थे कि जब पाकिस्तान की हुर्मत और अपने लीडर के दरमियान हमें फैसला करना पड़ा तो हमने पाकिस्तान के हक में फैसला किया है। और आज भी हम पाकिस्तान को कहते हैं कि और कितनों का लहू चाहिए तुझे अर्ज़े वतन, जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करे, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू हों जो तेरे सहराओं को गुलजार करें, कितने पैमानों के पुरजे हुए तेरे ऐवानों में, कितने ख्वाब थे जो तेरी शाहराओं में संसार हुए। हम तो मजबूर वफा हैं, मगर है जाने जहां अपने उस शाख से कोई ऐसा भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।